परम सत्कार योग गुरु सवारी ते प्यारी सत संगत जियो और फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे लैक्चर का विषय है दया। पंज धारण करने वाले गुणा विचों एक गुण दया का है। दया तो मुराद है दूसरे के दुख नूं वेख के मन विच करुणा जां रहम दा एहसास होना जां सहानुभूति पैदा होनी। दयावान मनुख दे मन विच दुखी नूं वेख के सिर्फ करुणा ही पैदा नहीं हुंदी बल्कि दुखी व्यक्ति दी ओह तुरंत सहायता करदा है। दया ते तरस विच अंतर है। दया कंपैशन है, तरस पिटी है। दया विच निज स्वार्थ नहीं हुंदा है। दयावान मनुख दुखी मनुख दी इस वास्ते सहायता नहीं करदा कि सहायता करन नाल उसकी शोभा होवेगी जां परलोक विच फल मिलेगा जां किसे निज स्वार्थ की पूर्ति होवेगी। दया हमें रहत अवस्था विच ही हिरदे विच वसदी है। दया तो पर पुकार पैदा होंदा है। दया तो सहनशीलता खिमा कीरज वाले गुण प्रफुल्लित होंदे हन। तरस विच दुखी मनुख नूं वेख के अफसोस की भावना पैदा होंदी है। तरस नाल मनुख आम तौर ते सोच के मदद करदा है कि उसनू किते एहो जी मुसीबत ना झलनी पवे। तरसवान मनुख दे मन में दुखी मनुख की सहायता करने की प्रेरणा किसे निज स्वार्थ तो पैदा हो सकती है। जिहा कि सुभा होवे उसदा अपना कष्ट कटिया जावे जां कष्ट ना आवे इत्यादि। परमेश्वर गुरु है ते गुरु ही परमेश्वर है। गुरु ते गुरु दे सेवक दे हिरदे विच दया वसदी है। फरमान सो सेवक जिस दया प्रभ धारै सो सेवक जिस दया प्रभ धारै। गुरु ते परमेश्वर सदा दयाल हुंदे हन। फरमान सदा 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 दयाल सदा 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 दयाल। जिज्ञासु ने गुरु परमेश्वर का सेवक बनना है। इस वास्ते उसनू अपने मन विच दया वसाउण वास्ते हर वक्त यतनशील रहना चाहिदा है। पूर्ण सतगुरु जी की जोत दसां गुरु साहिबान विच प्रगट होई। पूर्ण सतगुरु जी दी जोत दाता अते सदा दयावान है। पूर्ण सतगुरु जी दी जोत दाता अते सदा दयावान है। फरमान सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए। सतगुर दाता दयाल है जिसनू दया सदा होए। सतगुरु जी दी जोत पर पुकार महा हुंदी है अथवा पर पुकार दा चाव चढ़िया रहिंदा है। पर पुकार दया तो पैदा हुंदा है अते पर पुकार विच कोई निज स्वार्थ नहीं हुंदा है। सतगुरु साहिबान महा पर पुकारी सन अते उन्होंने सारे कार्य पर पुकार वजों कीते। इसे संदर्भ विच ही खालसा पंथ की साजना हुई सी ताकि जुल्म दा टाकरा किया जा सके अते दुखियां ते बेसहारियां की मदद हो सके। जिज्ञासु नूं चाहीदा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दित्ते दया धारण करन बारे फरमाणा नूं बहुत गंभीरता नाल विचारे अते उन्हूं अमली रूप देवे। अति सत्कार योग सतसंगत जी नाल कुछ फरमान सांझे कीते जांदे हन। पहला फरमान
अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। अर्थ छठ तीर्थां दे इशनान अते होर सारे पुन कर्मां दे मुकाबले ते जीवां उते दया करनी परवान है। जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान। जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान। अर्थ परमात्मा कृपा करके जिस मनुख नु सिमरन दी दात दिंदा है वो मनुख गुरमत जीवन जाच दी प्राप्ति करके सियाणा हो जांदा है। दूजा फरमान, सच ता बर जानिए जा सिख सच्ची ले। अर्थ परमेश्वर की पछाण तद हुंदी है जदों गुरु पासों सच्ची सिख्या ली जावे। दया जाने जी की किस पुन दान करे। दया जाने जी की किस पुन दान करे। अर्थ अते उस सिक्ख्या उते चल के सब जीवां वास्ते दया पाले ते लोड़वंदां नूं कुछ दान पुन करे। तीजा फरमान, मन संतोख सर्ब जी दया। मन संतोख सर्ब जी दया। अर्थ जिहड़ा मनुख अपने मन विच संतोख धारदा है ते सब जीवां नाल दया प्यार वाला सलूक करदा है, इन बिद बरत संपूर्ण भया। इन बिद बरत संपूर्ण भया। अर्थ इस तरीके नाल जीवन गुजारदिआं उसका वर्त कामयाब हो जाता है, भाव यही है असली वर्त। असली वर्त की है? जीवां उते दया करनी। चौथा फरमान, सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो। अर्थ हे प्रभु मेहर कर, मैं सत नूं संतोख नूं दया नूं धर्म नूं अपने आत्मक जीवन दी सजावट बनाई रखा। हे प्रभु मेहर कर, मैं सत नूं संतोख नूं दया नूं धर्म नूं अपने आत्मक जीवन दी सजावट बनाई रखा। सफल सुहागण नानका अपने प्रभु पावो। सफल सुहागण नानका अपने प्रभु पावो। अर्थ हे नानक, इन्हां गुणा वाली जीव स्त्री सफल सुहागण बन जाती है अते प्रभु पति नूं प्यारी लगती है। हे नानक, इन्हां गुणा वाली जीव स्त्री सफल सुहागण बन जाती है अते प्रभु पति नूं प्यारी लगती है। अंत विच सिनेमर बेनती है कि गुरसिखां ते सतगुरु जी की अपार कृपा है। सिख बहुत वड्डे दानी हन अते बेसहारियां दी सेवा करन विच सब तो मोहरे हुंदे हन। दास सिखां ते कुर्बान जांदा है। दास सिखां ते गुरसिखां ते कुर्बान जांदा है। सतगुरु जी दे चरणां च अरदास करदा है कि गुरसिखां ते होर ज्यादा भगती दी दात बख्शन। सतगुरु जी दे चरणां विच अरदास करदा है दास कि गुरसिखां ते होर ज्यादा भगती दी दात बख्शन। पुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह।